Hey guys, welcome to my channel Travel Panti. If you want to get information related to travel, food and so on, then like, share and subscribe my channel so you can know about more upcoming updates and stay tuned. Aaj subah subah mausam thoda acha ho raha tha to humne socha kyun na darshan karne Delhi ke Iskon temple jaya jaye. Lekin jab tak hum pahunche tab tak mausam ka rukh bilkul badal chuka tha aur dhoop aa gayi thi. लेकिन फिर भी हम इस्कॉन टेम्पल तो पहुंच ही गए थे दर्शन करने के लिए. तो आइए आज आपको भी दर्शन कराते हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल के. जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली का इस्कॉन कितना फेमस है और इसकी कितनी वीडियोस आए दिन वायरल होती रहती हैं, तो हमने सोचा हम भी थोड़े वायरल हो जाते हैं. अभी हमने कराई चेकिंग और उसके बाद हम आगे बढ़ दिए. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गोविंदास रेस्टोरेंट है जो कि प्योरली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है. यहाँ पे बिना ऑनियन एंड गार्लिक के खाना बनता है, तो जो लोग नहीं खाते हैं वो यहाँ पे आके खा सकते हैं. इनफैक्ट जो लोग चाइनीज़ फूड भी खाना चाहते हैं बिना ऑनियन गार्लिक के वो भी खा सकते हैं. कुछ टाइम पहले मैं यहाँ से अपनी मौसी के लिए मोमोज ले गई थी एंड लिटरली शी लव्ड इट. सुबह 5-6 बजे के करीब बारिश हुई थी, तो इस वजह से मंदिर में कीचड़ हो गई थी और जब तक हम पहुंचे तो वहाँ पे सफाई हो रही थी. हमने काफ़ी इधर उधर की बातें कर ली हैं, अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव बातें कर लेते हैं. इस्कॉन तक आने के लिए नियर बाय मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस और कैलाश कॉलोनी है, और वहाँ से आप किसी भी इजी व्हीकल से आ सकते हो लाइक टैक्सी, लोकल बसेस और रिक्शा. यहाँ पर अपने शूज एंड स्लीपर्स रखने के बाद अपने हाथ और पैर धुलना बिल्कुल भी मत भूलना. अगर आप दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल घूमने के लिए आओ और उसके अलावा भी कहीं घूमना चाहो तो आप कालका जी मंदिर जा सकते हो, आप लोटस टेम्पल जा सकते हो. टेम्पल की टाइमिंग की बात करूं तो ये सुबह 4:30 ओपन हो जाता है और रात को 9:15 पर क्लोज़ हो जाता है. और बीच में जो टाइमिंग होता है जिस टाइम पर मंदिर क्लोज़ होता है, दरबार बंद होते हैं, वो है 1:30 की टाइमिंग. जब भी आप आओ तो कोशिश करना कि आरती में ज़रूर शामिल हो सको क्योंकि बहुत सुकून है यहाँ की आरती में. ये जो गोल गोल घूम रहे हैं ये परिक्रमा कर रहे हैं और इस परिक्रमा का नाम है गरुण देव की परिक्रमा. अब बहुत हुआ इंतज़ार, अब सीधा अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं. वैसे ये राधा रानी और कान्हा जी का भोग का समय है तो यहाँ पे अभी दरबार बंद है. बिना स्किप करे बस इस शांति को फील करिए जो आने वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है, और बस इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए. ये करीबन 12:30 बजे का टाइम है जहाँ पर राजभोग आरती हो रही है कान्हा जी और राधा रानी की, और इनको तो दुनिया भर में सभी जानते ही हैं. बिना स्किप करे अब आगे आप देखिए कि आगे आपको और कितना पीस मिलना बाकी है. आई नो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था हरि कीर्तन सुनते हुए, लेकिन अभी आप यहाँ पर आ जाइए. देखिए मैं आपको कहाँ लाई हूँ. मैं लाई हूँ आपको इस्कॉन टेम्पल की फ़ोटो गैलरी में, जिस जगह पर दुनिया भर में जितने भी इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर जो भी मूर्तियाँ हैं उनके फ्रेम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो कि राधा रानी और कान्हा जी के जो रास लीलाएँ हैं उनको दर्शाती हैं. अब यहाँ से आगे मैं आपको दिखाऊँगी संघ कीर्तन नृत्य. यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आए थे जो कि इस नृत्य का लुफ्त उठा रहे थे और खुद भी नाच रहे थे. मुझे तो ये देखने में बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा. कृष्णा कृष्णा
अच्छा लगा सब कुछ अटेंड करके। अब बस हम बाहर की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमने सब कुछ अटेंड कर लिया था। तो अब बाहर की तरफ जाते ही जो प्रभु जी थे वो पंचामृत का प्रसाद दे रहे थे, जो कि लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी प्रसाद जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो लेकर ही निकले। अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे एक गोविंदा का रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप बाहर आराम से खा सकते हो छोले भटूरे, चाउमीन एंड समोसा वगैरह, एंड टेस्ट भी सही होता है यहाँ पर। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो वो डेफिनेटली यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक है स्वीट्स की शॉप जो कि भगवान को ऑफर करने के लिए आप यहाँ से ले सकते हो। एंड यहाँ का टेस्ट भी जितना मैंने ट्राई किया है काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ के जो पेड़े होते हैं वो मथुरा के पेड़े जैसा स्वाद होता है उनका। तो यहाँ पर जो स्वीट्स वगैरह के मामले में इट्स लाइक 10/10 बिकॉज़ यहाँ पे सही मिलता है सारा। एंड यहाँ पे पेस्ट्रीज एंड केक्स भी मिलते हैं एगलेस, तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हो। यहाँ पर स्कॉन की लाइफ मेंबरशिप मिलती है और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अब हम जा रहे हैं मैचलेस गिफ्ट शॉप में और यहाँ पर काफ़ी सारी मालाएं थी जो कि आप कोई सी भी ले सकते हो, तुलसी माला एंड यहाँ पे पोटली भी थी जिनमें आप माला जाप कर सकते हो। वैसे मैंने भी यहाँ से काफ़ी कुछ ख़रीदा। एंड यहाँ पे छोटी छोटी फ़ोटोज़ भगवान जी की अगर आप अपने घर में लगाना चाहें, डोर पे लगाना चाहें चिपकाने के लिए राधा कृष्ण, और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज़ भी थे कृष्ण जी से रिलेटेड एंड जो और भगवान भी थे उनके टॉयज़ भी थे। एंड यहाँ पर एक प्यारे से राधा कृष्ण बैठे हुए थे जो कि बड़े सुंदर लग रहे थे। और ये कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ की थी। एंड यहाँ पर और भी मूर्ति हैं और ये चंदन तिलक है जैसे कि इसमें मैंने दिखाया है, आप इसके थ्रू यूज़ करके लगा सकते हो तिलक। तो आपको जो भी चाहिए हो आप यहाँ से ले सकते हो। और ये कुछ बैग्स थे जो मैं सोच रही थी कि इनमें से कौन सा लूँ बिकॉज इनका पास्ट प्राइसिंग जो था वो 140 समथिंग था एंड इस बार वो पहले से मुझे कम दिखे जो कि यूजुअली इस्कॉन में कम नहीं होता है, तो मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया। यहाँ पर पूजा से रिलेटेड सारा सामान अवेलेबल था, तो जब भी आप आएँ तो मस्ट विज़िट। और ये प्यारी सी बच्ची बस अपने लिए कॉमिक्स बुक्स देख रही थी जो कि कृष्णा जी से रिलेटेड है, उनके बारे में उनके बचपन की कहानियाँ हैं जो कि बच्चे इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लाइक ग्रोइंग एज में ये सारी चीज़ें पढ़ाना और उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है, तो थ्रू दिस बुक आप उनको ये सारी चीज़ें समझा और पढ़ा सकते हो जिससे कि वो भी जाने कि लॉर्ड कृष्णा कैसे थे और उनका बचपन कैसा था। तो चलिए गाइज अब हम आ गए हैं अपने बिलिंग काउंटर पे और मैंने सामान ले लिया है जो भी आपने देखा। एंड इसके बाद अभी हम आ चुके हैं ये ऑडिटोरियम में जहाँ पर कृष्ण जी के कपड़े, कान्हा जी के जो लड्डू गोपाल जी होते हैं ना उनके कपड़े मिलते हैं, राधा रानी के कपड़े मिलते हैं, तो यहाँ पे उनका पूरा श्रृंगार का सामान है। इनफैक्ट ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ना तैयार हुई, तो ये भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी मूर्तियाँ एंड उनके जो एक्सेसरीज़ होती हैं ना भगवान जी की वो सारी मिलती है, कपड़े और उनके बाल मुकुट हर चीज़। मैंने भी इसमें से कुछ कपड़े लिए थे, वैसे हर बार ही बहुत अच्छे अच्छे और भी होते हैं, इस बार ही इनका कलेक्शन थोड़ा कम था बिकॉज पहले से ही सोल्ड आउट था एंड समर कलेक्शन अभी शुरू हुआ है तो वो कॉटन में था, तो इसीलिए मेरे को जो अच्छा लगा मैंने वो देख लिया था। एंड यहाँ पे बड़ी अमेजिंग ये लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ थी विद राधा रानी, और यहाँ पे इनकी प्राइसिंग भी इनके चिट चिपका रखी है, तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ना तो यहाँ पे चिट्स लगी हुई हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं इस्कॉन तो यू कैन बाय। ये कॉर्नर बच्चों की और बड़ों की गोपी ड्रेस एंड गोपाल ड्रेस का था, तो अगर आप इनमें से कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं अपने या बच्चों के लिए तो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं, ये कॉटन के होते हैं। हे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।